चीन के वैक्सीन एक्सपर्ट ने किया बड़ा दावा, चीन की वैक्सीन दुनिया में सबसे असुरक्षित। चीन अपनी कोरोना वैक्सीन के सुरक्षित होने का डंका पूरी दुनिया में पीट रहा है, लेकिन अब एक चीनी डॉक्टर ने ही ड्रैगन के दावे की पोल खोल कर रख दी है। चीन के डॉक्टर ताओ लिना ने ये दावा करके विवाद खड़ा कर दिया है कि चीन की कोरोना वायरस वैक्सीन दुनिया में सबसे ज्यादा असुरक्षित है और इसके 73 साइड इफेक्ट सामने आए हैं। साइनोफार्मा कंपनी के दो खुराक वाले टीकों का जितना साइड इफेक्ट है उतना दुनिया की किसी भी वैक्सीन का नहीं है। डॉक्टर ताओ ने अपनी रिपोर्ट को चीनी सोशल मीडिया साइट वीबो पर अपलोड किया था, हालांकि अब ये आर्टिकल हटा लिया गया है और इसका कारण भी नहीं बताया गया है, लेकिन लोगों ने पोस्ट के स्क्रीनशॉट ले लिए थे। इस पोस्ट में डॉक्टर ताओ ने दावा किया है कि चीनी वैक्सीन के 73 साइड इफेक्ट हैं। इसमें इंजेक्शन के लगने के स्थान पर दर्द, सिरदर्द, हाई ब्लड प्रेशर, दिखाई न देना और स्वाद खत्म हो जाना और पेशाब में दिक्कत शामिल है। इस वैक्सीन को चीन की सरकारी कंपनी साइनोफार्म ने विकसित किया है। चीन लगातार दावा कर रहा है कि उसकी वैक्सीन सुरक्षित है। इतना ही नहीं, वो पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों को इसका निर्यात भी करने जा रहा है, लेकिन चीनी डॉक्टर के दावे के बाद अब चीनी वैक्सीन पर भरोसा और कम हो गया है। हालांकि चीनी डॉक्टर का बयान दुनिया भर में वायरल होने के बाद वो अपनी बात से पलट गए हैं। उन्होंने विदेशी मीडिया पर शब्दों को घुमा फिराकर बताने का आरोप लगाया। डॉक्टर ताओ ने दावा किया कि उनका बयान तो केवल एक व्यंग्य था। अब ताओ ने कहा कि चीनी इलाज बहुत सुरक्षित है और देशवासियों से अपनी बयान के लिए माफी भी मांग ली। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि चीन में कोई जिनपिंग सरकार की पोल खोलने की कोशिश करता है तो उसके साथ कैसा सलूक किया जाता है। हो सकता है कि इस डॉक्टर को भी वैसी धमकी दी गई हो। चीन को साइनोफार्म वैक्सीन पर है तगड़ा भरोसा। चीन से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी। चीन के खिलाफ हमेशा से ही कोविड-19 को लेकर सवाल उठते रहे हैं। चीन ने 31 दिसंबर को ही साइनोफार्मा की वैक्सीन को मंजूरी दी थी। चीन ने सार्वजनिक उपयोग के लिए वैक्सीन को मंजूरी दे दी थी। चीनी सरकार ने वैक्सीन को लेकर कोई डेटा जारी नहीं किया था। कंपनी ने कहा था कि वैक्सीन 80% तक असरदार है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार फरवरी में ल्यूनर न्यू ईयर की छुट्टियों से पहले चीनी सरकार 5 करोड़ लोगों को टीका लगा देगी। डॉक्टर ताओ लिना ने बाद में दावा किया कि उन्होंने पोस्ट को काफी व्यंग्यात्मक तरीके से लिखा था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें भी वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है और दूसरी खुराक जल्द मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि चीनी वैक्सीन बहुत असरदार और सुरक्षित है। इसी के साथ उन्होंने अपनी पोस्ट के लिए भी माफी मांगी। माना जा रहा है कि उन्होंने चीन की सरकार के दबाव में अपने बयान से पलटी मारी है। वैक्सीन की दौड़ में क्यों पिछड़ा चीन? चीन 5 वैक्सीन पर काम कर रहा है। चीन में सिनोवैक बायोटेक, चाइना नेशनल फार्मास्यूटिकल ग्रुप और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस की वैक्सीन पर ट्रायल हो रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी संस्थान ने वैक्सीन के फॉर्मूला या अन्य कोई जानकारी शेयर नहीं की है। चीन के उन देशों की तुलना में स्पीड काफी धीरे है जो कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। दरअसल चीन कई महीनों से अलग अलग तरह के ट्रायल करवा रहा है और लोगों को वैक्सीन दे रहा है। चीन ने अपना ये प्रोजेक्ट तो जुलाई में ही शुरू कर दिया था। उस दौरान ही चीन ने साइनोफार्मा की 2 वैक्सीन और सिनोवैक के कोरोना वैक का 4.5 मिलियन लोगों पर ट्रायल किया था। चीन वैसे तो अभी तक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दे चुका है। इससे पहले चीन ने सैनिकों के लिए कैंसी नोबियो की एक वैक्सीन को मंजूरी दी थी। सिनोफार्मा और सिनोवैक की वैक्सीन पारंपरिक तकनीक पर आधारित है जो निष्क्रिय या मृत वायरस का इस्तेमाल करते हैं। इससे इंसान की इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। चीन की वैक्सीन वैसे तो भरोसे के संकट से गुजर रही है, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों से कुछ देशों ने ऑर्डर दिए हैं, जिनमें सबसे आगे पाकिस्तान है। वहीं यूएई ने भी एक चीनी वैक्सीन को रोल आउट किया है। पाकिस्तान ने सिनोफार्मा के साथ 1.2 मिलियन वैक्सीन खरीदने की घोषणा की थी। वहीं सिनोवैक की कोरोना वैक के साथ ब्राजील, इंडोनेशिया, तुर्की, चिली और सिंगापुर ने साइन किया है। कंपनी मलेशिया और फिलीपींस के साथ भी बातचीत कर रही है और मेक्सिको के साथ भी एक डील फाइनल हुई है।